देखिए ये वो खूबसूरत शीतला माता वाटरफॉल है जिसे देखने के लिए इंदौरियंस की भीड़ जमा रहती है। इंदौरियंस क्या, बाहर से भी लोग यहाँ काफी लोग आते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जैसे संडे है, संडे को यहाँ पे बहुत रश होता है और हमें पार्किंग की जगह भी काफ़ी दूर मिली, करीब हमें फॉल से 1.5 किलोमीटर दूर पार्किंग करनी पड़ी। उसके बाद हम जो आप ये भीड़ देख रहे हैं इसके साथ साथ हमें वाटरफॉल तक जाना पड़ा। वाटरफॉल पहुंचने पर यहाँ पे वैसे तो बाकी दिनों में आपको यहाँ वाटरफॉल के पास ही जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा ऑन बिजी डेज में, संडेज में थोड़ा सा मुश्किल होती है। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर के आपको घाटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे एक नदी है जो बहती हुई नदी है। जब आप नीचे उतरेंगे तो सीढ़ियों तो सीढ़ियों से वहां तक जा सकते हैं। बीच में आपको शीतला माता मंदिर मिलेगा जहां पे आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं और माता जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते जाएं जब तक सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं और वहां पे नदी आ जाती है। आप यहाँ एक छोटा वाटरफॉल भी दिखाई देता है जो खैर शीतला माता मंदिर से भी देख सकते हैं आप और नीचे जा सकते हैं और वहाँ से। इसकी ऊंचाई काफ़ी है बट इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है और जैसे मैंने पहले आपको दिखाया वो मुख्य आकर्षण, मुख्य जो मेन वाटरफॉल है वो नदी के किनारे किनारे ट्रैकिंग करते हुए जाकर ही करीब 1/2 किलोमीटर चलने के बाद ही आपको मिलता है। और ये ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पहले से प्री डिफाइंड कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए आपको पत्थरों के बीच से ही जाना पड़ेगा। स्पेशली जब आप यहाँ इस वाटरफॉल को देखने आते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपके शूज़ ट्रैकिंग वाले होने चाहिए स्पेशली गर्ल्स के लिए, और कपड़े भी उसी टाइप के होने चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इन पत्थरों के बीच से ऊबर खाबर जगह में से निकल के चल सकें। और क्योंकि सैंडल्स या लेडीज़ जो सैंडल्स होती हैं उनके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है इन रास्तों पे। इसके अलावा जब आप आगे चलते जाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको, चारों तरफ घाटी के आपको हरियाली दिखेगी, नदी बहती हुई दिखेगी। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए और इन मनोरम दृश्यों का मजे लेते जाइए। आज जब हम आए तब यहाँ पे बारिश हो रही थी और हम बारिश के बीच ही चल रहे थे। सचमुच ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था जब हम बीच में बारिश के साथ चल रहे थे। लीजिए ये आपके पास जिसकी हमें इंतजार था, जो यहाँ का जो शीतला माता वाटरफॉल है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, सचमुच ये बहुत ही सुंदर है। और जो भी हमारी मेहनत की हमने इतना वहां से यहाँ तक चलने में, वो सफल हुई और ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आप यहाँ आके नहा सकते हैं और खूब मजे कर सकते हैं।